अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग जी। सुबह हो चुकी है और ये टाइम है जी हमारे पेपर का, और आज हमारा पहला पेपर है। तो अभी जो है ना, सुबह सुबह मैं 6 o'clock उठी थी तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी भी स्टिल जो है ना बूंदाबांदी हो रही है, आंधी भी आई हुई थी, लेकिन अब जो है ना आसमान भी साफ़ लग गया। पहले तो आसमान भी बड़ा डार्क हुआ था। तो अभी जो है हम लोग अपना नाश्ता तैयार कर रहे हैं, तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ जी यहाँ का वेदर और अपना नाश्ता। तो देखें जी, अभी भी ना बूंदाबांदी हो रही है और आसमान भी अब साफ हो गया है। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेड और ऑमलेट। तो हम लोग ये खाकर जाएंगे घर से, और लंच में आप लोगों को दिखाती हूँ कि लंच में हमारे क्या है। तो ये थी जी रात की सब्जी, जो कि आहिल ने कहा था कि मुझे लंच में भी चाहिए, तो इसलिए मम्मा ने आहिल को लंच में भी दे दी है। तो ये आहिल का लंच रहा, मैं लंच नहीं लेके जाऊँगी, मैं घर से खा कर जाऊँगी। मेरा और बाबा ना सोए हुए हैं, तो हम लोग बस स्कूल हम लोग जाए तो इसलिए उठे हुए हैं। बाबा को भी अभी थोड़ी देर तक उठाएंगे जब हम लोग रेडी हो जाएंगे। तो अंदर ये सोए हुए हैं, जो ब्लैक ब्लैक था ना रूम का व्यू, ये यही था कि रूम में ये लोग सोए हुए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो हमारे सेहन में, यानी कि टाइमर लोगों के सेहन में है, वहाँ पर जब भी रेन होती है ना, हमारा चलो ऊपर जो थोड़ा थोड़ा ग्रीनेट है ना, तो उसमें कवर हो जाती है। नहीं होती, आप लोगों को टाइमर लोगों का सेहन दिखाती हूँ। अभी वहाँ पर ना आप लोग नोटिस कीजिएगा, वीडियो में वहाँ पर वाइपर पड़ा हुआ है, और मेरी आप ना भी यही काम होता है, वो लोग भी मतलब 6 बजे उठ जाती है ना, तो तब भी रेन हो रही थी, तो उन्होंने अब पहले लगाया, फिर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी स्टार्ट होगी। साथ साथ लगाई जाती है, वो भी ना एक बार लगाती नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा पानी लगा है। लेकिन जब रेन होती है तो टाइमरों के सहन में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो चलिए भी अब चलते हैं वहाँ पर। अब हम लोग वाटर वाटर मैंने फिल कर दी थी ठंडे पानी से, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब आहिल रेडी हो रहा है बस, तो चले भी। वैसे जो मम्मा का टी का कप होता है ना, वो ये होता है। तो चलिए भी अब करते हैं हम लोग नाश्ता, लेकर जाते हैं नाश्ते को अंदर और ड्राइंग रूम में, और फिर बैठक खाते हैं। ये राजी साथ आ गए मेरे और आहिल के लिए जूस। अभी ना एक सीन हो गया, आहिल की जो स्नैक्स थी ना, वो मैंने मुझे पकाई थी फ्राइडे वाले दिन, जिस दिन मशीन लगी थी, और मैं वो रख कर भूल गई हूँ। तो अब मैंने आहिल को ब्लैक वाली सॉक्स दी, और वो भी उसके साथ हुआ यह है कि वो भी छोटी निकली आहिल को, वो भी छोटी। और अब मम्मा ढूंढ रही है वहाँ पर, और मुझे इतनी डांट पड़ रही है ना, आपको बता नहीं सकती। मम्मा डांटी जा रही है, कह रही है कि तुम्हें मैंने पकड़ाई थी। तो अब मेरे जहन से निकल गया मैं कहाँ पर रखी, और वाइट सॉक्स अलावा और आहिल पहन के जा रहा है ब्लैक, सिर्फ मेरे वजह से। और खैर, अब अल्लाह ताला खैर करे, मिल जाए बस दूसरा। फ्रेंड्स, अब मैं हो चुकी हूँ कम्प्लीट, अब हो चुकी हूँ जी मैं कम्प्लीट रेडी। स्ट्रॉलर मैंने ले लिया, और अब हम बस निकल रहे हैं। 7:15 हो गए हैं और हम मतलब निकल रहे हैं। आहिल को मैं जो है वो दिखाती हूँ आप लोगों को, आहिल भी रेडी हो गया, बस आहिल के बाल बनाने। हेलो, उमरा जो है ना उठ गई है, अंदर उठी हुई है, वो उठकर फ़ोन देख रही है पापा का, उठकर पकड़ के वो फ़ोन देख रही है और अंदर उठी हुई है। खाना वाना मैंने खा लिया है, और आज का पेपर हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा गया। तो बस आप लोग बस दुआ कीजिएगा कि हमारे नेक्स्ट पेपर भी जो है वो अच्छे गुजरें। आज का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा, आहिल का भी और मेरा भी। अब हम लोग करेंगे जी नेक्स्ट पेपर की तैयारी। तो जी अभी हम लोग स्कूल से आ गए हैं, और मैंने खाना वाना खा लिया है, शावर भी हम दोनों ने ले लिया। तो आज का हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, आहिल का भी और मेरा भी। तो आप लोग बस दुआ कीजिएगा कि हमारे नेक्स्ट पेपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे गए, और जिस दिन इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी उस दिन क्या रूटीन होगी। अगर रिजल्ट अच्छा है तो ज़रूर हम लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे, और कैसे करेंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा, और खैर आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, और आप लोगों की बस दुआएं चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। तो खैर भाई, आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।